guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. In this video, we are going to discuss about the Volume 1, Chapter 1 of Business Studies Class 12. And first of all, I wish a very beautiful journey ahead and congratulate you all, you know, to come in the very important class and very important beginning, right? And hope this year bring you lots of wonderful moments. And agar aap is saal mehnat karenge, of course you are getting a very good college. So with this note, I'm going to start with chapter 1 of business studies. Theek hai, agar you know, this is the book I'm covering from Subhas Day, and the chapter is Nature and Significance of Management. तो इसके अंदर हम मैनेजमेंट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो सी बी एस ई सिलेबस में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब इसके अंदर कवर है. ठीक है, कंटेंट इसका ऐसा दे रखा है, और लर्निंग मतलब जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू हैव टू लर्न दिस. ठीक है, आपको ये चैप्टर से क्या क्या ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सब इसके आउटकम्स है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, राइट? With the first concept of this chapter is management. The management is an activity which is necessary wherever there is a group of the people working in an organization. ठीक है, तो जब भी एक group of the people work करता है in the organization, तो वहाँ पर हम लोगों को management की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, management मतलब manage the men tactfully, मतलब आप manage कर रहे हैं men को इतने बढ़िया आराम से कि जो भी आपका work है, जो भी आपकी productivity है, वो up to the mark है, right? But people in the organization are performing diverse tasks, but they all are working towards the same goal. ठीक है, of course एक management के अंदर वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं. जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी की बात करती हूँ, तो वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन परचेज डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट, एंड देर मेनी मोर डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग दे आर डिफरेंट फंक्शंस, बट उनका जो यू नो एम जो होता है ना, वो एक ही होता है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, दैट इज गोल. तो ये गोल की डेफिनेशन हो जाएगी. आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उसको मार्क कर लेना. तो यू हैव टू मार्क दिस गोल. और इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट एम करता है गाइडिंग देयर एफर्ट वर्ड्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को. उसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को वी आर कॉलिंग अ गोल, राइट? इसलिए मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव्ड, दैट इज इफेक्टिवनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज एट द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज एफिशिएंसी. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज इफेक्टिवनेस, अनदर इज द एफिशिएंसी. ठीक है, तो और इसके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताना चाहूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली कभी कभी ये वन वर्ड में पूछ लेते हैं, कभी कभी ये डेफिनेशन में पूछ लेते हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तो इफेक्टिवनेस क्या बोल रहे हैं, मैनेज हैज टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव्ड, कि मतलब जो हमारे टास्क हैं, गोल्स हैं, वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, वो हमारे जो है वो इफेक्टिवनेस देखता है. एंड अगर हमने उन टास्क को, उन ऑब्जेक्टिव को बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ और मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट या अचीव कर लिया, तो उसको एफिशिएंसी ही बोलते हैं. तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ, तो जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा हमारा वाइडर कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू द इफेक्टिवनेस. अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो अगर मतलब आपको जैसे कोई असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, तो आप एक टारगेट सेट कर लेते हो कि मुझे 5 दिन लगेंगे इसे करने के लिए. फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि ठीक है 5 दिन करेंगे, 5 दिन को आप 2-4 दिन में डिवाइड करते हो, कि पहले 2 दिन मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर 3-4 दिन मैं उसका कंटेंट लिखूंगा, और लास्ट डे में कंप्लीट करके उसको रिवाइज करके अपने मैम को सबमिट कर दूंगा. तो ये सारा जो है ना, इस पूरे कंसेप्ट को मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है, दो हमको पढ़ाया अब जा रहा है, बट यू नो ये जो मैनेजमेंट है ये इनबिल्ड होता है एक ह्यूमन के अंदर. ठीक है, और इसके यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी दे रखी हैं. ठीक है, जैसे कि अलग अलग राइटर्स के थ्रू अलग अलग डेफिनेशन दे रखी हैं. ठीक है, तो इसमें से आपको सिर्फ एक करने की ज़रूरत है. ठीक है, फिलहाल. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तो आपको जो भी इसमें से जो भी सूदिंग लग रहा है, यू कैन प्रेफर फॉर दैट, राइट? There are certain terms that we need to understand before going deeper into the concept, right? तो यहाँ पर मैं आपको effectively, efficiently तो अच्छे से मतलब थोड़ा सा समझा चुकी हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू दे चुके हैं. इसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे, और एक प्रोसेस क्या होता है वो भी हम समझेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहला दे रखा है प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने का एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी कह सकते हैं. ठीक है, तो एक प्रोसेस इन द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट मींस द प्राइमरी फंक्शंस और द एक्टिविटीज एट द मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट द थिंग्स डन. ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसके बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते. अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, एंड यू हैव टू राइट ओवर देयर. ठीक है, तो अंटिल और अनलेस इफ यू डोंट नो अबाउट द ABCD, यू आर नॉट एबल टू राइट इट. ठीक है ना, तो वो हमारे एक प्राइमरी फंक्शन है कि हमें ABCD के बारे में पता रहना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज फंक्शन आर प्लानिंग, जो हमारे मेन प्राइमरी फंक्शन है जिसके बिना हम कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो 5 है.
बट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी बिकॉज इसके लिए एक अलग अलग चैप्टर दे रखा है और वहाँ पे बहुत डिटेल्ड स्टडी है फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गई. ये क्या प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी फंक्शन है दैट वन शुड डू यू नो टू कम्प्लीट देयर गोल्स और द ऑब्जेक्टिव. राइट, नेक्स्ट इज दैट इफेक्टिवनेस. मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस ऊपर क्या होता है, जस्ट टू कम्प्लीट योर गोल्स ऑन टाइम. ठीक है, आप ज़्यादा सामान ले रहे हैं, आप कम समय ले रहे हैं, मतलब वो हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या आपने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया या नहीं किया, वो हमारा होता है इफेक्टिवनेस. राइट, द बींग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. ठीक है ना, बस इसका मतलब ये कि हमें अपना जो भी टास्क है उसको हमने फिनिश कर लिया. इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स. ठीक है, बस यही है कि हमें सही काम करना है, काम को कंप्लीट करना है एंड अचीव करना है गोल्स. इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. ठीक है, सिर्फ हमें एंड रिजल्ट से मतलब है कि मतलब आपका आपने आपको काम मिला, आपने किया या नहीं किया, दैट्स इट. आपने 10 बंदों से काम करवाया या एक बंदे से, हमें से मतलब नहीं. आपने 10 घंटे लिया या एक घंटे लिया, हमें उससे भी मतलब नहीं है. राइट, नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी. तो इसने ये बोला कि ये इट्स नॉट इनफ टू कंप्लीट अ टास्क. ठीक है, काम तो हम भी कर लेंगे, जैसे कि अगर हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो डेडलाइन क्यों मिलती है, क्योंकि सबको पता है काम तो हम कर ही लेंगे, एक साल, दो साल, तीन साल में काम तो कर ही लेंगे ना. बट हमें चाहिए कि काम समय पे हो, टाइम पे हो. तो वही वो एफिशिएंसी बोल रहा है कि द टास्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज. और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में बोलूँ तो टाइम है. ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव अ टू मच टाइम. ठीक है, इसीलिए हर एक चीज़ को यू नो एक पर्टिकुलर फेज में डिवाइड किया गया है. दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑल्सो एंड बींग इफिशियंट और एज वी से डूइंग वर्क इफेक्टिवली. इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यू शुड लर्न. ठीक है, जो भी हाईलाइट दे रखा है ना, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हाईलाइटिंग वाला पोर्शन है यू हैव टू लर्न एज इट इज, क्योंकि ये पेपर में आते हैं और केस स्टडी की फॉर्म में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट बी यू नो, आपको बस इसको अच्छे से समझ लेना हो कि ये वैसे हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट समटाइम दे आस्क ऑन वन मार्क क्वेश्चंस और समटाइम दे आस्क इन केस स्टडी एज वेल. राइट, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जो प्रोसेस पढ़ा था ना, वही उसी को फंक्शन बोला जा रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल सा एक ओवरव्यू दे रखा कि व्हाट इट इज़. ठीक है, और इसके लिए एकदम ब्रीफ में एकदम मतलब एकदम डिटेल्ड स्टडी होगा आगे के चैप्टर में, आगे के फर्दर चैप्टर में आप देखेंगे जब यहाँ पे इसके फंक्शंस मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शंस के फंक्शन होंगे, उनके स्टेप्स होंगे, उनके मेथड्स होंगे. ठीक है, तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर आपको नहीं समझ में आता, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, क्योंकि अभी हमें पूरे साल यही पढ़ना है. राइट, सो द फर्स्ट इज द प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ एंड हु इज टू डू इट. ठीक है, तो प्लानिंग का मैं बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कि अगर आप अभी 12th में हैं तो डेफिनेटली देयर आर सम स्टूडेंट हु प्लान देयर कॉलेज. ठीक है, कि उन्हें कौन से कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज में जाने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है, क्या सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत है. ठीक है, या फिर अगर आप कॉलेज नहीं डिसाइड कर पाए तब तो, लेकिन अपना प्रोफेशन तो डिसाइड कर पाए हैं ना. ठीक है, तभी आप 11th या 12th में आपने स्ट्रीम चूज़ करा है. ठीक है, तो वो भी एक प्लानिंग पे डिपेंड है. ठीक है, आपने प्लान किया दैट यू हैव टू डू दिस एंड देन ओनली यू टुक द ऑल द सब्जेक्ट्स. राइट, तो प्लानिंग क्या होता है कि हम लोग एडवांस में हम लोग यू नो पता कर लेते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या हमें करना है और कैसे करना है और कौन करेगा. ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है, क्योंकि ये तो हर स्टेज ऑफ द लाइफ में हमें प्लानिंग करना होता है. अगर हमें कहीं जाना है तो भी हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हम वहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे. ठीक है, तो प्लानिंग होता है नॉट ओनली द बिजनेस इन द, अगर मैं बोलूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी हमारे प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो इसमें ये लिखा है दिस इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम इफेक्टिवली एंड अचीविंग. ठीक है, जैसे कि अगर आपने गोल आपका जैसे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो आप उसी को अचीव करने के लिए यू आर डूइंग द वर्क इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली कि अब मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए इनके अंदर ये एक्सेल करके दिखा रहा है तो दैट तब मुझे वो कॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप एडवांस में डिसाइड कर लेते हो व्हाट यू नीड टू बी डन और वेयर यू हैव टू गो, मतलब फ्रॉम वेयर यू आर एंड वेयर यू टू गो एंड वेयर यू हैव टू गो. तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है या ब्रिज होता है उसको हम कम करने के लिए प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हाईलाइटेड वर्ड्स के अंदर, तो यू नो यू नीड टू बी लर्न वेरी केयरफुली और इसको अच्छे से लर्न करना है, इसके अंदर कुछ भी स्किप नहीं करना. तो एक सेटिंग मतलब डिफाइंड एज अ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप क्या करते हो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो. फॉर्मुलेट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस, वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारे स्टेप्स लेते हो आप. जैसे कि अगर मैं कॉलेज वाला एग्जांपल लेती हूँ तो फिर आप देखोगे कि मुझे कितने नंबर चाहिए. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर वहाँ पे कितना ज़रूरत है. ठीक है, फिर उसके बाद कोई कोचिंग वगैरह चाहिए. ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल एक्शंस होते हैं टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट फॉर, और फिर इनमें से बेस्ट कौन सा होता है आप उसको चूज़ करते हो फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ द एक्शन अवेलेबल. जैसे कि अगर आपका मन पसंदीदा कॉलेज है लेकिन आप फॉर्म तो बहुत सारे कॉलेज के भरते हो ना, फिर उसमें से देखते हो तो कौन सा बेस्ट है. ठीक है, तो उसी का नाम पूरा प्लानिंग होता है. राइट, नेक्स्ट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग
थिंग ऑर्गेनाइज, मतलब एक बार प्लानिंग कर लिया, नाउ इट्स टर्न टू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स वेरी केयरफुली. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज. इसके अंदर आप ड्यूटीज असाइन करते हो, ग्रुपिंग टास्क, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान. ठीक है, तो इसके अंदर ये से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि आपने कोई कंपनी खोली, इसके लिए ये आपने सोचा, प्लान कर लिया. अब नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब आपने जो जो सोचा उस बंदे को उसकी उसकी ड्यूटी दे दी, ठीक है, टास्क दे दिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, मतलब कौन किसको कॉन्टैक्ट करेगा किस परेशानी के लिए, ठीक है ना, और जो भी रिसोर्सेज उनको ज़रूरत होगी इस अबाउट, मतलब जो भी हमने इस प्लान में डिस्कस कराया था उससे रिलेटेड. ठीक है, तो सारा इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, और ये बहुत, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस फंक्शन है प्लानिंग मैनेजमेंट का. तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द प्लान. इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल डन एंड व्हेन इट विल डन. ठीक है, तो इसके अंदर ये तीन चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क कहाँ पर करना है और कब करना है. राइट, नेक्स्ट इज अबाउट दी स्टाफिंग. तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि अभी तो हमने असाइन कर दिया ना, मतलब हमें एक बंदा चाहिए जिसको हम ये वाला टास्क देंगे, हमें एक बंदा चाहिए जो ये वाला ग्रुप का टास्क कर, लेकिन हमें बंदे लेकर आने, तो वो होता है स्टाफिंग. और अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो रिक्रूटमेंट, ठीक है ना. तो इसका सिंपली मीनिंग होता है फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हर केस स्टडी में यही लाइन यूज़ होती है. राइट, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग और यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स. तो इसका सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि हमें ऑब्टेन करना है, यूटिलाइज करना है और मेंटेन करना है अच्छे से वर्कफोर्स को. ठीक है, जो भी वर्कफोर्स हम लोग लेकर आएंगे क्योंकि उन्हीं को एक्टिविटीज देंगे. अभी तो यहाँ पे सिर्फ यू नो मैनुअली किया है कि हमें एक बंदा चाहिए जो ये काम करेगा, हमें ये बंदा चाहिए जो ये चीज़ देखेगा, लेकिन हमें बंदे कहाँ से मिलेंगे, वो स्टाफिंग फंक्शंस के अंदर आते हैं. ठीक है, यहाँ से हमें बंदे मिलेंगे. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मैनेजमेंट का. टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस टाइम्स टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम आगे फर्दर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल, ऑल दिस इंक्लूड इन दिस फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग. तो उसके अंदर क्या होता है, अब हमने बंदे भी ढूंढ लिया, अब उन्हें डायरेक्शन देना, उनको सुपरवाइज करना है, उनको देखना है, उनको कंट्रोल करना है कि वट एवर दे आर डूइंग एज पर द गोल्स और नॉर्मल. तो अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे, तो मेन इसके अंदर यही होता है कि हम डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, इसके अंदर हम लोग उन्हें लीड करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस, मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम, जो भी उन्हें असाइन किया गया. राइट, दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग एन एटमोसफेयर दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट. इसके फोर एलिमेंट होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन. ठीक है, हमें उनको रेगुलरली मोटिवेट करना होता है बाय गिविंग सम अवार्ड्स, बाय गिविंग सम रिकॉग्निशंस. ठीक है, लीडरशिप, तो इसके फोर एलिमेंट्स हैं मेन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन. ठीक है ना, तो हम लोगों को इन चार एलिमेंट्स को देख के डायरेक्टिंग करनी होती है. पहले उन्हें मोटिवेट करो, फिर उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करो, एंड देन कम्युनिकेशन, देन सुपरविजन. राइट, मोटिवेशन और लीडरशिप आर द टू की कॉम्पोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मोटिवेशन और एक लीडरशिप थ्रू विच वी कैन मेक द पर्सन टू डू एक्सेल इन देयर वर्क. राइट, नेक्स्ट इज द कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ठीक है, जो भी आप, मतलब बहुत आप भी नॉर्मल यू नो लाइफ में अज्यूम करते ही रहते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम एंड उसका मार्क्स जो भी है आपने टारगेट किया कि मुझे उसके अंदर 90 तो चाहिए ही चाहिए. राइट, और उसमें से आपके कुछ नंबर आते हैं 85. तो अभी आप क्या करोगे, वो जो आपके 5 नंबर कटे हैं ना, आप उसको पता करोगे. राइट, एंड देन उसके बाद आपको एक बार पता लग जाता है कि आपके नंबर किस वजह से काम है, फिर आप उस पर वर्क करते हो. सिमिलरली कंट्रोलिंग के अंदर होता है, इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपनी स्टैंडर्ड सेट करती है, फिर उसके बाद कुछ काम करती है, फिर वो अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करती है. अगर उसके अंदर कोई डेविएशंस होते हैं तो फिर दे ट्राई टू रिमूव देयर ऑल डेविएशंस. सो द कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. द टास्क ऑफ द कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर द करंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड टेक द करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डिविजन इज फाउंड. क्योंकि तो मेन हमारे ये पांच फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ. आप इसे अच्छे से समझिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इफ देयर यू हैव फेस एनी डाउट, मतलब कोई भी सिंगल वर्ड आपको नहीं समझ में आता, डू कॉमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बाय बाय गाइस, टेक केयर.